नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। रूस और यूक्रेन के बीच 12 दिनों से जंग छिड़ी है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग से न सिर्फ वहां के नागरिक बल्कि संपूर्ण जगत के राजनेताओं को भी चिंता में डाल दिया है। जंग में रोज यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें और बमों से हमले जारी है। इस दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन से पलायन करने को मजबूर हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की चर्चा के साथ ही एक समझौता भी खूब सुर्खियों में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर दोनों देश इस समझौते पर अमल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो शायद युद्ध की संभावनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है मिन्स्क समझौता और इसे ये नाम क्यों दिया गया। मिन्स्क समझौता एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ, इसलिए इसे मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 कहते हैं। पहला मिन्स्क समझौता सितंबर 2014 में हुआ। इस समझौते के तहत 12 पॉइंट युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। उस वक्त क्रीमिया को रूस हथिया चुका था और 14,000 लोग मारे जा चुके थे। इससे कोशिशें ये थी कि शांति हो। इसके बाद मिन्स्क 2 समझौता मार्च 2015 में साइन किया गया। लुहांस्क और डोनेट्स्क में युद्ध खत्म करने के लिए किया गया था। जानकार कहते हैं कि अगर यूक्रेन ने इसको लागू करने की कोशिश की तो देश में विद्रोह हो जाएगा। पूरे देश में रूसी भाषी लोग रहते हैं, वहाँ घरों में रूसी भाषा बोली जाती है। दोनों ही समझौते बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुए थे, इसलिए इसका नाम ही मिन्स्क समझौता रख दिया गया। मिन्स्क 1 समझौता सितंबर 2014। युद्ध के समाप्ति की मांग करते हुए सितंबर 2014 में बेलारूस में पहले मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के हस्ताक्षरकर्ता रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE और डोनेट्स्क और लुहांस्क के रूस समर्थक नेता, यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादी साल 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 बिंदु वाले संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हुए। इसके प्रावधानों में युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, सशस्त्र संरचनाओं की वापसी शामिल थे, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क के एक आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के भी निर्देश दिए गए थे। इन समझौते का दोनों ही पक्ष की ओर से जल्द ही उल्लंघन देखने को मिला। मिन्स्क द्वितीय समझौता फरवरी 2015। प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर के बावजूद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही। फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस के नेता, जिन्हें सामूहिक रूप से नॉर्मंडी 4 कहा जाता है, फरवरी 2015 में एक नए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हुए। यह समझौता प्रारंभिक मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग का एक 13 सूत्रीय पैकेज था। सैन्य डिक्लेरेशन, दूसरे समझौते ने डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में तत्काल और व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। इसके अलावा दोनों देशों को भारी हथियारों को इस तरह से वापस लेना था कि कम से कम 50 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षा बन सके। पूरी प्रक्रिया की निगरानी OSCE द्वारा उपग्रहों, ड्रोन, रडार उपकरण आदि के रूप में आवश्यक सभी तकनीकी उपकरण का उपयोग करके की जानी थी। डोनेट्स्क और लुहांस्क में स्थानीय चुनाव, यूक्रेनियन सरकार को यूक्रेन कानून के अनुसार 2 क्षेत्रों में स्थानीय चुनाव के तौर पर तरीकों पर बातचीत शुरू करने के लिए कहा गया था। यह एक अंतरिम स्थानीय स्वशासन के साथ साथ विद्रोही क्षेत्रों के भविष्य के शासन के संबंध में था। इसके अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर यूक्रेनी संसद को विशेष शासन वाले क्षेत्रों को निर्देशित करने के लिए प्रस्ताव को अपनाने के लिए कहा गया था। 2015 के अंत तक इनसे 2 क्षेत्रों के विशेष स्थिति पर एक स्थायी कानून अपनाने के लिए कहा गया था। समझौते ने पूरे संघर्ष क्षेत्र में यूक्रेनी सरकार द्वारा राज्य की सीमा पर पूर्ण नियंत्रण बहाल करने का निर्देश दिया। यह स्थानीय चुनाव और दोनों क्षेत्रों के साथ राजनीतिक समझौते के समापन के साथ शुरू हुआ। क्षमा और एमनेस्टी, डोनेट्स्क और लुहांस्क की घटनाओं में शामिल सभी व्यक्तियों को क्षमा और माफी दी जाएगी, समझौते में कहा गया। इसने पार्टियों की वापसी के 5 दिनों के भीतर सभी बंधकों की रिहाई और विनियम सुरक्षित करने के लिए कहा। दोनों पक्षों को जरूरतमंद लोगों को एक मानवीय सहायता की सुरक्षित पहुंच, वितरण, भंडारण और वितरण सुनिश्चित करना था। दोनों देशों के अपने अपने तर्क, यूक्रेन अपने मुताबिक अपने संविधान में सुधार या बदलाव कर सकेगा। इस सब के बाद भी अगर इन दोनों समझौतों को दोनों ही देशों ने गंभीरता से स्वीकार या लागू नहीं किया तो इसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं जंग के मैदान में आमने सामने हैं। मिन्स्क समझौते को नज़रअंदाज करने वाले दोनों देश अपने अपने तर्कों को सही मानकर जिस तरह पर आगे कदम बढ़ा चुके हैं उससे केवल और केवल तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। अब क्यों हो रही है इसकी चर्चा? मिन्स्क 2 रूस और यूक्रेन को बातचीत की मेज पर लाने का एकमात्र माध्यम है। इसके अलावा ये समझौता रूस को इस बात की गारंटी देता है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। ये समझौता यूक्रेन को अपनी सीमा पर कंट्रोल का अधिकार देता है, जिससे अभी तक के रूस का हमला टल सकता है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी समर्थकों की सत्ता है। यूक्रेन में बहुत से लोग मानते हैं कि मिन्स्क 2 समझौता उन्हें रूसी हमले से बचा सकता है। तो आज हमने आपको रूस और यूक्रेन के बीच हुए मिन्स्क समझौते के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।